नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसे महाराष्ट्र की राजनीति में जिसका कद बहुत बड़ा रहा और जिसे थाने का बाल ठाकरे भी कहा जाता था। उन्होंने अपने समय में काफ़ी ऐसे काम किए जिसे आदिवासी और कई महिलाएं भी उन्हें एक देवता की तरह पूजती थी, एक भगवान की तरह उनको पूजा भी जाता था। खैर, आज इस शख्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है आनंद चिंतामीर चिंतामणि दिघे, या फिर धर्मवीर आनंद दिघे भी इनको कहा जाता है। यह तो धर्म स्ततो जया जिते धर्म तिथे विजय। आनंद दिघे का जन्म देखे 27 जनवरी 1952 में होता थाने के टेमिना के इलाके में। उनका पूरा नाम आनंद चिंतामणि दिघे दिघे था। उन्होंने बहुत ही मैसी पॉपुलैरिटी गेन की थाने में और महाराष्ट्र के कुछ और इलाके में। उन्हें थाने का बाल ठाकरे भी कहा जाता था। बचपन से ही वो शिवसेना से अटैच थे, कई मीटिंग्स भी अटेंड करती थी क्योंकि बाला साहब ठाकरे की कुछ मीटिंग जो है टेमिना के इलाके में हुआ करती थी। तो 70 के दशक में धीरे धीरे शिवसेना से वो जुड़ गए, एक बतौर कार्यकर्ता काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कभी भी स्पीच देना उन्हें पसंद नहीं था खुद से, ना ही उन्हें क्रेडिट लेना पसंद था। अपनी मौत तक उन्होंने शिवसेना के एक जिला प्रमुख के रूप में वो काम करते रहे। बहुत ही हार्डवर्क पॉपुलिस्ट थे। उन्होंने कई फार्मर्स की मदद की, कई आदिवासी की और जो कॉमन मासी थी उनकी भी। वो जो डांस वार इकोनॉमिकली फार्मर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जो लोकेलिटी थी उनको भी और जो वुमेन थे उन्हें भी अनसेफ फील करा रहे थे। और जो आदिवासी थे वो अपने जो प्रोडक्ट्स बना थे उनकी मार्केटिंग नहीं हो पा रही थी हेल्दी मैनर में, जो उनको इकोनॉमिकली एलिनेट कर रहा था, उनको बाहर कर रहा था। इन सारे इशूज़ को उन्होंने रिसोल्व करा अपने दरबार के जरिए। उन्होंने कई वृद्धाश्रम भी खोले, कई कई जो स्टूडेंट्स थे सिविल सर्विस के एस्पिरेंट उनकी मदद भी की। कई बच्चों को स्कूल जो बच्चे स्कूल जाया करते थे गरीबी वगैरह के कारण नहीं जा पाते थे उनकी मदद भी की। और जो मराठी यूथ था उनको एनकरेज भी किया कि आप MPSC और UPSC एग्जामिनेशन में हिस्सा ले सके। उनकी एजुकेशन का उन्होंने बंदोबस्त करने का काम भी किया। वो हाईली सपोर्टर थे जो फीमेल विंग है शिवसेना की, उसके वो हाईली सपोर्टर थे। उन्होंने पर्सनल सपोर्ट भी कुछ लोगों को दिया, जिसमें उनको कैंपेनर जो एकनाथ शिंदे जो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जो अपने दो बच्चे एक बोट एक्सीडेंट में हो बैठे थे और कहा तो ये भी जाता है कि वो उन्होंने एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र में उन्हें सुसाइड करने से भी रोका था और उस सिचुएशन से उन्होंने बाहर आने के में मदद भी की थी। आइडियोलॉजिकली वो एक हिंदू एक्टिविस्ट थे और वो हार्डकोर अपोनेंट थे इस्लामिज्म के। वो अपने एक्शंस को लेकर बहुत ही कंजर्वेटिव थे और वो एक कट्टर हिंदू थे, यानी कि सारे हिंदू ट्रेडिशंस को वो फॉलो किया करते थे। जो कई उन्होंने कई कल्चर फेस्टिवल थाने में स्टार्ट कराए, कई मासिस को साथ आने में मदद की, हिंदूज को यूनाइट किया। उन्होंने अपने आप को डिफेंड करना सिखाया, जो राइट्स हो करते थे शिव जयंती के दौरान उसको अपने आप को बचाव करना सिखाया। वो इस जिहाद जो जिहाद के नाम पर मर्डर्स करते थे आज हो रहे हैं उसको बचाने की कोशिश करते थे, यानी कि उसके कट्टर विरोधी थे। वो कहते थे कि जिहाद नहीं होना चाहिए, वो मुस्लिमों के खिलाफ नहीं थे बल्कि जिहादीज के खिलाफ थे। और इसमें कई जो मुस्लिम थे उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया था। तो वो चाहते थे कि हिंदुत्व तो हर घर तक पहुंचे। वो कई कंट्रोवर्सीज में भी रहे, स्पेशली जब उनको टाटा चार्ज लगा दिया गया था शिवसेना मर्डर श्रीधर गोपीकर में, जिन्होंने वोट कर दिया था कांग्रेस के लिए, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। देखिए, ऐसा हुआ था कि 70 के दशक में वो 80 के दशक में चुनाव हुए थे और उन चुनाव के दौरान वो जो थाने में जो देखे कैंडिडेट खड़े रहे थे एक शिवसेना का एक कांग्रेस का, तो उसमें एक जो श्रीधर गोपीकर थे वो जीत गए। श्रीधर गोपीकर ने एक वोट कांग्रेस के समर्थन में दे दिया था जिसके कारण जो शिवसेना का कैंडिडेट हार गया था और दूसरा जो कैंडिडेट था वो शिवसेना का कैंडिडेट हार गया था, कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया था। तो बाद में पता चला जो श्रीधर गोपीकर थे वो उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में एक वोट कर दिया था। जो बाल ठाकरे ने जिसका विरोध किया उन्होंने कहा था कि गद्दारी माफ नहीं की जा सकती, कि शिवसेना में गद्दारी माफ नहीं की जाएगी। खैर, उसको बाद में मर्डर हो गया लेकिन कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं मिला। उनकी डेथ बहुत ही मिस्टीरियस थी, कई कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट भी उनके साथ हुए और
कुछ दिन पहले यानी कि कुछ दिन बाद 26 अगस्त 2001 को उनका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी लेग जो थी वो फ्रैक्चर हो गई ये, और उसी दिन उनकी हार्ट अटैक से उसी जान मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वो अपनी गाड़ी जीप से जा रहे थे और उसकी एक ट्रक से टक्कर हो गई जिसमें उनके पैर में चोट लग गई, लेकिन उसी हॉस्पिटल में उनकी शाम की जिसमें उनके लेग में फ्रैक्चर में हुआ था उसी शाम उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई किसी में भी इतना साहस नहीं था कि ये कह सके कि आनंद दिखे की मृत्यु हो चुके, वो इतने इनकी कह सकते इतने पॉपुलर वो थे, इतने पॉपुलर हो गए। फिर शाम को बाहर आ गए, उद्धव ठाकरे ने घोषणा की कि आनंद दिखे हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद वो जो हॉस्पिटल था उसको जला दिया गया और कई लोग ये भी मानते हैं कि उनकी हत्या के पीछे बाल ठाकरे का हाथ था। खैर ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन आज भी महाराष्ट्र के थाने में उनको बहुत बड़ा माना जाता है। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो भी उनको बहुत ज्यादा मानते हैं, यानी कि उनको भगवान के स्वरूप मानते हैं वो। आज भी देखिए उनको पूजा भी जाता है, कई आदिवासी हाउस होल्ड जो है उनको पूजा भी जाता है। उनकी डेथ एनिवर्सरी पर लाखों लोग उसको अटेंड किए थे। जब उनकी मृत्यु हुई कार्डियक अरेस्ट की वजह से तब भी लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। और ये कहा जाता था कि जिस शॉप में उनकी फोटो लग जाती थी किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस शॉप को बुलडोज कर दे, यानी कि उसको तोड़ दिया जाए, इतना उनका खौफ रहता था। देखिए ये थी कहानी शिवसेना के लीडर एक कट्टर हिंदू एक कट्टर शिवसैनिक आनंद दिघे की, यानी कि इसी कारण उनकी मदद करने के लिए कई लोगों को इन्होंने मदद की, आदिवासी की स्टूडेंट की, उसीलिए उनका नाम धर्मवीर आनंद दिघे कहा जाता था।